तो जय श्री राम भाइयों, हम आ चुके हैं अयोध्या धाम। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बढ़िया नजारा है और ये लोग उठ गए हैं। सेल्फी किट ना चाहिए सेल्फी किट। और ये लोग बहुत ही उत्साहित हैं देखने के लिए हमारा अयोध्या धाम को। भाई साथियों, हम आ चुके हैं सरयू नदी पे अयोध्या धाम। देख सकते हैं हमारे साथ कितने लोग हैं। और सुबह पानी यहाँ से छोड़ दिया जाता है। अभी सुबह नहाएंगे आके तो सुबह का भी पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत ही यहाँ पे शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। शानदार है, शानदार है। पहले बोलो हाय। हाँ, बिना हाय बोले हमारे ब्लॉग में आए हमारे। तो तुम भी बोलो हाय। हाय हाय, शानदार है। हाँ, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। भाई सर्दी बहुत, शायद 11:30 बज चुके हैं रात में। हम लोग निकल पड़े देखने के लिए, तो चलिएगा देखते हैं आगे। शंकर भगवान की जय। हाँ बिल्कुल, हमने तो पहले के जो थोड़ा पुराना मंदिर लगेगा। फोटो खिंचवा के आओ, फोटो खिंचवा के आओ।
नहा चुका हूँ इसमें फाइनली, और मुझे बहुत ही सर्दी लग रही है तो सर्दी थोड़ी देर में ये अभी शांति में कपड़ा पहन रहा है। कितनी देर में कपड़ा पहनोगे? अभी हम निकले दर्शन करने के लिए तो दर्शन अभी हुए नहीं है, दर्शन करने दोस्तों अभी हमें पता नहीं और कितनी दूर चलना पड़ेगा दर्शन के लिए, पता नहीं अभी लगभग 2 किलोमीटर बाइक पैदल चलकर आए हैं और अभी शायद कितनी दूर और चलना पड़ेगा, हमारा हाथ भी दर्द करना लगा है। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी है। शांतनु बताओ और कितनी दूर चलना पड़ेगा? अभी कम से कम हम लोग चलना पड़ेगा 4 किलोमीटर बता रहे हैं। अभी हम लोगों को कम से कम चलना पड़ेगा 50 किलोमीटर। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ आ रही है, 1.5 किलोमीटर वाला, और आगे भी देख सकते हैं हमारे कितनी भीड़ है आगे, ये सब कितनी भीड़ है, ये सब मोदी के समर्थक है और ये सब मोदी को वोट देंगे। अब देखो हम तो राजनीति पार्टी को यहाँ हम राजनीति पार्टी यहाँ पर करेंगे क्योंकि उन्हीं के कारण ये मंदिर बन पाया है, उन्हीं के कारण ये बन पाया है, ये तो है ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा यही कहना कि बीजेपी वोट फॉर बीजेपी या हनुमान वोट फॉर बीजेपी और लूट फॉर बीजेपी दोनों बराबर है, लेकिन वोट फॉर बीजेपी इज मोर इम्पोर्टेंट। ये देखते थे हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी आ चुकी है हमारे यहाँ पे। हनुमानगढ़ी आ चुकी है, हनुमानगढ़ी के लिए कि ये रास्ता गया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। श्री हनुमानगढ़ी को पार कर चुके हैं, अब देखो और आगे कितना देर, और हमारी ये देखो पुलिस विभाग वाले अपने ड्यूटी निभा रहे हैं अच्छे से। रुपया ना दे दो, लेकिन
आप यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं, कितना बेहतरीन नज़ारा है। आने हो गए तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग एक बार मौका लगा के देखने जरूर आइएगा। कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पर, दिल तृप्त हो जा रहा है देखने के बाद। यह लग रहा है यहाँ पे आने के बाद वास्तविक में ही श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्मभूमि है। जिनको ये मानते नहीं है फिर भी इनकी लड़ाई कर रहे हैं, जिनको ये सारी दुनिया मानते रहे फिर भी हम लड़ाई कर रहे हैं। सारी दुनिया मानते लेकिन ये रखे हैं। हमें लगता है अब अंदर फोन नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि जो मेन मंदिर है राम भगवान का वो अंदर है हमारे पीछे, और यहाँ पर अभी ये लोग हमारा फ़ोन रखवा लिए रहे हैं, सभी का फ़ोन हमारा भी और संतुर का अनु का भी। तो बताओ कैसे आप लोगों को हम दिखा पाएंगे राम मंदिर। चलो देखो कोशिश करते हैं, अगर गया तो गया, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। चलिए ट्राई करते हैं ले जाने के लिए। अंत में दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर साझा कर देना, क्योंकि कुछ लोग नहीं जा पाते हैं तो इसी के माध्यम से वो वीडियो में पूरा देख लेंगे। और कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लगा वीडियो मेरा, भाई बहुत ही मेहनत लगी है बनाने में, तो एक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ज़रूर शेयर कर देना भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कह रहा हूँ कि एक शेयर कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय